आपको पता है जब आप दुनिया की सैर पे निकलते हैं तो दुनिया में जो सबसे खूबसूरत चीज दिखती है वो है अपना भारत। ये महज कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है, यानी कि एक ऐसी खूबसूरत सच है जो कि आपकी कल्पना से भी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत और उनके पड़ोसी राज्यों के बीच उस संबंध और कुछ रोचक जानकारी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेली। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे साथ कुल कितने पड़ोसी देश हैं जो जुड़े हुए हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमारे साथ टोटल जो है 9 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं हमारे साथ मिलती हैं, वही हमारे पड़ोसी देश होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके उन पड़ोसी देशों को दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमारा ये चिर प्रतिद्वंदी पड़ोसी पाकिस्तान। वो कहते हैं ना, पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, बस ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो इस कंट्री के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो नंबर एक पे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान। यहाँ देखिए अफगानिस्तान की बॉर्डर इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे, भारत के बॉर्डर के साथ मैच कर रहा है। तो ये भी हमारा पड़ोसी देश हो गया, यानी कि हम 2 पड़ोसी देश देख लिए हमने। अब हमारा तीसरा पड़ोसी देश जो है वो है हमारा चाइना। जी हाँ, नूडल वाले चाइना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं वापस, हमारा एक बेहतरीन पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल के ठीक बगल में हम देखते हैं भूटान। उसके बाद हम आते हैं देखते हैं हमारा एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश। उसके बाद एक और पड़ोसी देश यही में है म्यांमार। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो नीचे देखते हैं हमारा एक और पड़ोसी देश है श्रीलंका, और यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश आखिरी है मालदीव। तो ये हमारे कुल 9 पड़ोसी देश है। इनमें से एक सवाल आता है कई बार कि ऐसे कितने पड़ोसी देश है जो कि स्थल से, यानी कि उनकी जो हमारी जमीन जो है उनके साथ उनकी बॉर्डर टच होती है, ना कि हमारे जो समुद्र होते हैं नदियां होते हैं उनके साथ, यानी कि स्थलीय क्षेत्र से कनेक्ट होने वाले पड़ोसी देश के नाम से सवाल आते हैं। तो ये देशों की संख्या कुल 7 है। जैसे देखिए ये जो नीला कलर आपको दिख रहा होगा, नीला कलर जो होता है ये वाटर का सिंबल होता है, यानी कि इस जगह से जो भी देश कनेक्ट हो रहे होंगे वो हमारे जल से कनेक्ट हो रहे होंगे। तो आप स्थल से कनेक्ट होने वाले जो कंट्री होंगे वो कहाँ होंगे, ये जहाँ पे नीला कलर नहीं होगा, यानी कि इन हिस्सों वाले। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके उन देशों के नाम जान लेते हैं। देखिए कुल 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा हमारे स्थल से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये वो देश थे जिनकी सीमाएं जो है हमारे साथ स्थल से लगती है। इसके अलावा 2 कंट्री ऐसे हैं जिनकी सीमाएं हमारे देश के जल से लगती है, सिर्फ जल से लगती है, और जल थल तीनों को अगर मिला के लगती है तो वो 3 है। देखिए श्रीलंका और मालदीव कहीं भी स्थल से कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये 2 ऐसे देश है जिनकी सीमाएं हमारे साथ सिर्फ जल से कनेक्ट होता है। उसके अलावा एक और सवाल आता है कि ऐसे कितने देश है जिनकी सीमाएं जल और स्थल दोनों से जुड़ती है। तो देखिए जल से जुड़ने वाले कॉमन कंट्री को उठाएंगे तो जल और स्थल दोनों से जुड़ने वाले जो कंट्री है वो है नंबर 1 पाकिस्तान,
दूसरा बांग्लादेश और तीसरा म्यांमार। हमारे साथ यहाँ पे जल से भी कनेक्ट होती है ये, तो यानी कि टोटल तीन ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जल और स्थल दोनों से जुड़ती है। तो अब ये तो आप जान गए कि हमारे कितने पड़ोसी राज्य है, किस तरह से स्थल और जल से मिल रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं। अब आगे हम बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर लाइन के बारे में बात करते हैं। आगे जैसे देखिए, हमारे देश के साथ दूसरे देश की एक सीमा बट रही होगी, तो इस सीमा को एक नाम दिया गया है। ये एक रियल में पृथ्वी के ऊपर खींची हुई लाइन नहीं है, बल्कि ये हमने मानक तय किया है। तो इस तरह से लाइन है अलग अलग देशों के साथ, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि पहला देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं हैं, ये जो अलग करती, इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये 1947 में सर रेड क्लिफ ने निर्धारण किया था। उनका पूरा नाम है सीजे रेड क्लिफ। ऐसे ही भारत और अफगानिस्तान की सीमा को कनेक्ट करता होगा, इस लाइन को कहते हैं हम डुरंट लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और चाइना को जो अलग करता होगा, इस लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन। ठीक है, एक और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम वगैरह में, वो होता है आपका भारत और श्रीलंका। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है उसका नाम है पाक जलमड्रू। पाक यानी कि पाकिस्तान से रिलेटेड है, लेकिन ये पाकिस्तान को भारत से अलग नहीं करता, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसके अलावे भारत और श्रीलंका को एक और चीज अलग करती है, वो करती है आपका इसके अलावा भारत श्रीलंका को जो अलग करती है, वो करती है मन्नार की खाड़ी। तो अब हमने ये जान लिया कि कौन सी कंट्री को कौन सी लाइन अलग करती है। इसके अलावा कुछ और सवाल भी पूछे जाते हैं, तो वो भी बता देता हूँ आपको। एक और सवाल आता है, आदम पुल कहाँ स्थित है? तो देखो, आदम पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके अलावा एक और लाइन पूछा जाता है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो जोड़ता है आपको भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, उसके अलावा भारत का कौन सा हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में? देखिए, यहाँ पे कुछ हिस्सा है जिसपे कि पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से यानी कि गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, वो एक्चुअली भारत का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं पीओके। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान में जंग हुई थी, तो यहाँ पे एक जंग को रोकने के लिए हमने पाकिस्तान के काफी हिस्सों पे कब्जा कर लिया था, लेकिन एक संधि द्वारा हमने उनके हिस्सों को काफी छोड़ दिया, तो उसको हम कहते हैं एलओसी, जो कि विश्व के कई सारे देश हमारे बीच बचाव में रसिया अमेरिका वगैरह ने हमारी जो भारत के साथ युद्ध हुई थी उसमें तो हम पाकिस्तान को पूरी तरह से कुचल देते, लेकिन कई सारे देशों ने बोला कि माफ कर दो, तो इस वजह से हम छोड़ दे। तो ये सब कुछ जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो का आप शेयर कर दें ताकि हम और जोश के साथ अगली वीडियो लेके आए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्र कुमार और आप देख रहे थे बिहार।